हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली आप सभी को। और अभी आप सभी की जो भी परेशानियां हो वो सब इस होलिका दहन में दहन हो जाए। और ये होलिका इसीलिए जलाई जाती है, तो हम लोग ना सभी कोई होलिका जलाने आए थे और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, इसलिए किसी की शक्ल ना समझ में नहीं आ रही है कि कौन क्या कैसे कर रहा है। हम सब घूम चुके हैं और बच्चे ना घूम रहे हैं अभी। तो ये होलिका दहन वाला दिन है और होली जो है वो कल है खेलने वाली। हम लोग ने आज ही से स्टार्ट कर दी थी होली खेलना। होली जो है स्टार्ट हो गई है और ये है सृष्टि, सब भूत बन गए हैं और मेरे हस्बैंड, इनके थोड़ा कम लगा है। मोक्षु मोक्षु मोनू, मेरे सब कोई कलर लगा दिए ना तो मोनी रो रही है। इसको बड़ा मजा आ रहा है। तो चलो अभी हम लोग होली खेल के आ गए, अभी सरवर धोते हैं क्योंकि रात हो गई है ज्यादा। कल जो भी होली खेलेंगे दिखाएंगे। सृष्टि खेलोगी होली? तो गाइस अभी सुबह सुबह का टाइम है और मोक्ष ना मोनी को जगा रहा है। और जैसे कि मोनी कहीं चली जाती है ना तो वो बहुत अकेला खुद को फील करता है, क्योंकि पूरा टाइम मोनी के साथ खेलता रहता है ना। वो जग गया है इसलिए मोनी को उठा रहा है कि तुम भी जगो, मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई करनी है, खेलनी है, तो वही जगा रहा है वो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी होली सबको। मुक्षु मैंने सुबह सुबह होली खेली, अब मैं भी ये बहुत कम होली खेलते हैं। मोक्षो भी दीदी को जगा रहा था, अपने बोला था दीदी उठो, हाँ छुबा छुबा आप होली खेल लिए हो। मुझे नहीं पता। अभी ना मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नाश्ता कर रहे हैं और मैंने नाश्ते में कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो जो भी घर पे अवेलेबल है वही नाश्ता कर लेते हैं, बिकॉज़ आज होली है ना। तो मेरे हस्बैंड बोले कुछ नाश्ता तो चाहिए ही, तो अंगूर और संतरा और बिस्किट नमकीन बस यही हम लोगों ने खा लिया था, क्योंकि नहीं बनाया था, हो गया कुछ भी हम लोगों ने। मेरा बेटा बहुत खुश है, उसको ना संतरे बहुत पसंद है खाना, तो बस मेरे हस्बैंड और ये खाना खा रहे। और हम लोगों ने ना कोई कलर वलर नहीं खेला था, बिकॉज मेरा बहुत सर दर्द होने लगता है कलर खेलने की वजह से। हे गाइस, गुड इवनिंग, और सुबह से शाम हो गई है और मॉर्निंग के बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ना टाइम ही नहीं लगा, और टाइम भी था बट वो नहीं है शूट करने का। होली वाले दिन में क्या सब खाने पीने में बिजी थे और मैं भी बिजी थी खाने पीने में। तो अभी मैं ना मम्मी के यहाँ आई हूँ, मैंने सोचा ब्लॉग का एंड तो करना ही पड़ेगा और ब्लॉग ही शूट करना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। मैं आई हूँ मम्मी के घर, यानी कि मेरे भाई के। मॉर्निंग की होली जो है मैंने उसे मेरे ससुराल में बनाई, अभी शाम की जो होली है वो मैं मेरे भाई के बनाने आई हूँ। तो चलो दिखाती हूँ उसे लेकर मेरे लिए क्या क्या बना रही है। मैं अभी खा पी कर घर चली जाऊँगी क्योंकि मोनी नहीं आई है। बस वो दो बार पूछने गई लेकिन वो आई नहीं, बोली मुझे ले जाना है, मुझे ले जाना है, और वो नहीं आई मेरे साथ। इसलिए रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं, उसका खाना पीना खा के हम लोग निकल जाएंगे। चलो दिखाती हूँ क्या क्या बना रही है। सुलेखा मेरे लिए बना रही है पनीर की सब्जी, रोटी और क्या ना पुलाव बनाएगी। होली स्पेशल डिनर जिसको बोलते हैं। और ये थोड़ी प्रिपरेशन कर रही है, मसाला बना रही है, और मैं खाने पीने के बाद चली जाऊंगी क्योंकि बताया ना मोनी नहीं है और मम्मी नहीं है यहाँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है मम्मी नहीं है तो घर ही अच्छा नहीं लग रहा, एकदम खाली खाली लग रहा है। मम्मी रहती है तो कुछ कुछ ऐसे बात वोट करते रहते हैं हम लोग। और सुलेखा जब भी खाना बनाती है, झाड़ू वाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, तो इसका बैग में ना गाना चलता रहता है। और गाने कौन से, वो मतलब पुराने वाले गाने, हालांकि उसको सदाबहार गाने बोलते हैं पर ये वही सुनती है पुराने गाने, पुराने जमाने की लड़की है ये। तो सुलेखा भी बस खाना बना रही है, बना लेगी
तब बताऊंगी कैसा बनाई है। ओके अभी के लिए बाय बाय। तो हम लोग ना खाना वाना खा चुके हैं और मैंने सोचा कि आगे फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, बट नहीं कर पाई बिकॉज ससुराल आने के बाद ना लाइट ही नहीं थी। तो मैंने कहा चलो, तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताना, और हैप्पी होली सभी को।